आई हैव कम टू द अकबर मार्केट, और अगर बहावलपुर की स्पेसिफिकली बात की जाए तो यहाँ का बेसिकली कुंदन जो है वो फेमस है, और उसके लिए मैं शॉप पे मौजूद हूँ। और ज्वेलरी देख के ना तो मैं वैसे ही कुछ एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है शायद सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, बस ज्वेलरी देख के ना वो पागल हो जाती हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, सरगोधा में मैं ज्वेलरी की शॉप में घुस गई थी, मेरा वहाँ से बाहर निकलने को दिल्ली करा था, और यहाँ पे इतने खूबसूरत डिज़ाइन हैं कि अभी भी मुझे लगता है यही जो सिचुएशन है ना जो सरगोधा में हुई थी फिर होने वाली है, लेकिन अभी देखते हैं। और चूंकि यहाँ का कुंदन फेमस है तो सबसे पहले कुंदन का कुछ है वो चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। कुछ पहले तो चूंकि कुंदन फेमस है यहाँ का, मुझे पहले थोड़ा क्लेरिफाई कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सुना है कि यहाँ का कुंदन फेमस है। कुंदन यहाँ की स्पेशलिटी है, कुंदन बहावलपुर में बनता है, ठीक है, और ये आज से तकरीबन हमें 20 साल हो गए हैं कारोबार करते हुए इस ज्वेलरी का। अच्छा, तब से ये कुंदन की डिमांड में इजाफा हो रहा है, अब तो मजीद इजाफा हो गया कुंदन में। अच्छा, तो फिर मुझे भी कुछ दिखा दें कुंदन का। जी, ये देखिए कि कुंदन में इस तरह का झुमका होता है। वाओ, दिस इज सो प्रिटी, कैन यू से इट, बहुत खूबसूरत है ये। अच्छा, बनता है बहावलपुर में, ठीक है, सारे इसमें हैंडमेड काम होता है। शीशा किधर है भाई, शीशा अगर मिरर मिरर देना, दिखा दें, पहन के चेक करती हूँ, बहुत खूबसूरत है वैसे। एक अच्छा, एक इसमें ये डिजाइन होगा, इजाफा हो रहा है। ये दोनों चीजें कुंदन की है, थोड़ी सी हैवी होती है नस्बतन, ये भी कुछ पड़ा हुआ है, इसका भी मुझे थोड़ा सा बताइएगा। ये भी मीनाकारी है, ये भी बनता है बहावलपुर में, ठीक है, इसमें सारा काम हाथ से होता है, ये जो कलर्स हैं इसके, इसको मीना कहते हैं इसको। अच्छा, ये इधर हाथ से भरा जाता है ना। दैट इज सो ग्रेट, आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाती जाती हूँ। ये मीनाकारी है और ये कुंदन है, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं, इसमें बेसिकली स्टोन्स यूज हुए हैं, एंड दिस इज लाइट वेट एंड दिस इज हैवी वेट एंड दिस इज सो प्रिटी। ये भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन दिस इज वेरी प्रिटी, आई एम गोना बाय। बहुत डिफरेंट आ जाता है इसमें ना। अच्छा, प्राइस में भी डिफरेंस आ जाता है, किस तरह से? ये 900 की रेंज में होता है, ठीक है, और ये वाला 2400 की रेंज में, डबल डबल हो जाता है रेंज। हां, थोड़ा महंगा है, लेकिन चूंकि यहाँ की स्पेशलिटी है और बड़ी खूबसूरती से हाथ से बेसिकली बनाया जाता है, सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। कुछ और मुझे कुंदन में दिखाएगा, मैं साथ में चेक भी इसमें एक ये नेकलेस होता है, नेकलेस को चोकर कहते हैं इसको। दिस इज सो प्रिटी, मैं पहले ये चेक कर लूँ, मैंने एक्चुअली पहले ही अपने जो पहने हुए ना ट्रैवलिंग वाले, हम जैसे ना पुट देम ऑफ। इसमें ये सराइकी झुमका कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? सराइकी झुमका। सराइकी झुमका स्पेसिफिकली। अच्छा, ये बहावलपुर का कल्चर है इसका ना, सराइकी झुमका, ठीक है, ये बहावलपुर का कल्चर है एंड इट्स डिफरेंट। सो अभी जो है इनकी मैं थोड़ी सी प्राइस पूछती हूँ। आई जस्ट एम होपिंग कि मुझे थोड़ा सस्ता दे दें भाई, ये वैसे इन्होंने 2400 का कहा है, इसका रीजनेबल थोड़ा बताएं, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा यही लगा है। ये आपको 17 का मिल जाएगा, होलसेल प्राइस में दे दूंगा आपको, 17 में मिल जाएगा आपको, मैंने मुनासिब बता दिया। अच्छा, ले 14 कर ले, 14 कर ले, 2400 का था, 1400 इज क्वाइट गुड, 15 दे दे बस, 14 ठीक है भाई। देखे मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं दे दे, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं सही में बहुत दूर से आई हूँ। आप ले लें, चले गेस्ट ले लें आप, थैंक यू। वैसे जनरल बताऊँ ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन अब मुझे जो भी जिस रेट में मिले ना, दैट इज़ वेरी रीजनेबल, आई एम गोना बाय देम, और मुझे अच्छे ये भी लग रहे हैं, लेकिन सारे क्योंकि एक ही स्टाइल में है तो सारे के सारे मैं नहीं लूँगी, कुछ और वेराइटी देख लेंगे। ये बेसिकली जो चीज़ें ना, दीज आर सम काइंड ऑफ लाइक इन टीक ओवर देयर एज़ वेल, मुझे अच्छा लग रहा है भाई, ये वाला दिखाएगा कौन सा? एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, ये इसकी मुझे प्राइस बताइएगा, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, नहीं क्या इसकी प्राइस? ये 700 मिलेगा आपको। ना करें, नहीं ये महंगे पे आ गए हैं आप। नहीं नहीं, ये होती है ट्रेडिशनल ज्वेलरी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये जो अर्थोकुल में चली थी ना, ये वो है, इसलिए इसके रेट एक्सपेंसिव है। अर्थोकुल का नाम लगा के इसको बेचे, नहीं इतना महंगा नहीं मिला। ये देखिए, ये होती है 1 कैरेट, ठीक है, जो गोल्ड के बाद आते हैं। अच्छा, ये 1 कैरेट कहते हैं इसको, ठीक है, दैट इज 1 कैरेट। ये थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं, 6,000-7,000, ठीक है, 9,000। गोल्ड प्योर गोल्ड बेसिकली आई गेस 22 कैरेट का होता है, 21 कैरेट का होता है ओरिजिनल, ये 24 कैरेट में, ठीक है, और ये 1 कैरेट का है, जो मुझे यहाँ की जो स्पेसिफिक कुंदन पसंद है ना, बस आई एम गोना बाय इट एंड आई गॉट इन 1400। सो वी गोना गो नेक्स्ट यहाँ से, और आगे जाके देखते हैं कि क्या चीजें हैं, तब तक मैं ये खरीद लूं। कस्टमर आते हैं बहुत दूर दूर से, कस्टमर आते हैं मुल्तान से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, लाहौर से।